हे गाइस, बाबू मैं रसन जाए। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कोडी रोड से, हमारे ड्रू मैकइंटायर से, हमारे डेमियन प्रीस से और गाइस बिगी के रिटर्न से। तो वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को पहले आप कर लो सब्सक्राइब गाइस। तो गाइस कोडी रोड से बहुत सी चीजें अचीव की है उन्होंने, ब्रॉक लेसनर को हराया, रसलमीनिया मेन इवेंट किया, रॉयल रंबल विन की, एंड गाइस उससे लेके एक लिस्ट पोस्ट की गई उनकी मतलब 2K पे, और वहां पे लिखा गया चार पांच चीजों पे मतलब टिक लिखा गया जो उन्होंने अचीव कर लिए। लेकिन गाइस अभी तक उन्होंने जो अचीव नहीं किया उस पर टिक नहीं लिखा, यानी कि यूनिवर्सल टाइटल, फिनिश द स्टोरी। तो यार इससे बहुत सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी लाइन फिनिश कर सकते हैं, लेकिन रॉक के आने के बाद ये थोड़ा सा मतलब डेंजर में है। लेकिन गाइस मेन चीज यही है कि कोडी की स्टोरी लाइन फिनिश होगी। अभी आप देखो रॉयल रंबल में क्या होता है, फिर पता चलेगा कि कोडी एंड रोमन का मैच कैसे फिक्स होता है रसलमेनिया के लिए। अभी यार बहुत से मतलब सस्पेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि यार एक ना पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में सस्पेंस लाने का ट्रेडिशन है, सस्पेंस आएगा तो ही तो मजा आएगा। तो देखो गाइस क्या होता है। बाकी ये एक पर्ची सी बनाई हुई थी, आप देख सकते हो इस पे गोल्स लिखे हुए थे कोडी रोड्स के 2K ने ये पिक पोस्ट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है बिग ई से। बिग ई का रिटर्न हो सकता है, लेकिन बिग ई ने खुद कहा है कि मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं रिटर्न अपना करना चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि उनकी नेक इंजरी सीरियस इतनी है कि अगर वो चाहते हैं कि अगर मुझे कुछ अगेन होता है, कुछ अगेन कोई पंगा पड़ता है तो मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहता, क्योंकि ये डिसीजन बहुत भारी है, बहुत महंगा पड़ सकता है। एंड गाइज उन्हें रेसलिंग में वापस रिटर्न करना है या नहीं अब ये तो उन्हीं पे है, क्योंकि यार उनको अपनी लाइफ को भी रिस्क में नहीं दे लाना। आपको पता ही होगा स्टोन को स्टीव ऑस्टन के भी ऐसे करियर ओवर हुआ था जब उन्हें इंजरी हो गई थी, पता ही होगा आपको उनको मतलब ट्विस्ट ऑफ फायर ड्राइवर नेक इंजरी हुई थी, उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया था पूरा। तो बिगी भी ऐसे चाहते हैं कि अगर वो रसल नहीं करना चाहते, अगर वो करना चाहते तो वो उनका डिसीजन है। तो ये अपडेट थी बिगी से। तो भाई साहब अगले की लाइफ भी रिस्क में पड़ सकती है। तो देखो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी है डेमियन प्रीस से। तो डेमियन प्रीस का मनी इन द बैंक मैच हो सकता है क्या रसलमेनिया में या रॉयल रंबल में या कहीं पे भी, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रीस का मैच है कल, एंड कल के मैच में पता चल जाएगा कि क्या इनका मैच हो सकता है, क्या मनी इन द बैंक ऑन द लाइन आ सकता है। मगर अभी कोई अपडेट नहीं है, कल ड्रू एंड डेमियन प्रीस का मैच है, इवन हमारे मिस एंड डोमिनिक का भी मैच है, तो फेस टू फेस हमारे कोडी एंड सीएम पंक भी आने वाले। तो देखो गाइस बहुत सी स्टिपुलेशन बन सकती है, लेकिन गाइस जो मनी द बैंक है ना वो अभी तक कैश इन नहीं हुआ, या तो कैश इन भी होगा या कुछ तो कुछ होगा, वो कल ही पता चलेगा, कल सेथ रॉलिंस क्या कहते हैं वो भी पता चल जाएगा हमें। तो ये तो गाइस लास्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है एल ए नाइट से। तो एल ए नाइट ने अपना रिएक्शन दिया लोगन पॉल को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से इस रेसलिंग रिंग में हूँ, इस बिजनेस में हूँ, लेकिन मैं उस लेवल तक नहीं अभी तक कर पाया जो लोगन पॉल ने सिर्फ 5 मिनट्स में कर दिया, कि लोगन पॉल आए और उन्होंने वो सब कर दिया जो उन्हें चाहिए था। एंड भाई साहब पहले आप ये सोचो कि लोगन पॉल इज़ अ फेमस सेलिब्रिटी फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड बिजनेस मैन, सेकेंड ऑफ ऑल वो बंदा बॉक्सर भी रह चुका है, थर्ड ऑफ ऑल वो बंदा कुछ भी कर रहा है एंड उसने अपने आप को प्रूव किया है। तो इसके कारण आई थिंक लोगन पॉल इज वेल डिजर्विंग, क्योंकि यार MS2 के बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप कोई केयर ही नहीं कर रहा था, एंड गाइस लोगन पॉल के पास आई तब हर कोई केयर कर रहा है, एंड भाई साहब वो बहुत अच्छी स्टोरी लाइन दे रहे हैं। तो इसलिए लोगन पॉल को आई थिंक बेस्ट बनाया गया है, एंड वो बेस्ट बने भी हैं, उनमें पोटेंशियल है बहुत से सुपरस्टार ने कहा लाइक शॉन माइकल। तो ये चीज़ है, लेकिन एल ए नाइट ने अपना ओपिनियन दिया। तो ये अपडेट थी एल ए नाइट से, अपडेट थी अब तक की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।